ही रहा मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों आज मैं आप एक ऐसे संत की बात बताने जा रही हूँ जो आज दुनिया में सबके बहुत जल्दी कष्टों का निवारण करते हैं, और ऐसे संत जिसकी वाणी में एक सच्चाई है और जो हमेशा अपने बच्चों का भला करते हैं। मैं आज अपने आप को बताने जा रही हूँ, अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं एक बहुत ही एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ थी और मैं नहीं जानती थी कि साईं बाबा कौन है। लेकिन मुझे 2003 में पता चला कि हमारे वहाँ पर एक मंदिर बना, उसमें मुझे पता चला कि वहाँ पर साईं बाबा हैं और मैं वहाँ पर जाने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बाबा रोज़ बुलाते थे और मैं इतनी दूर पैदल जाया करती थी जबकि मैं नहीं जा पाती। लेकिन एक शाम हुई और मेरा जाना शुरू, लेकिन जाते जाते बाबा ने मेरे इतने काम बनाए कि मैं उनके ओर तोड़ती चली गई। लेकिन उसके बाद में फिर बाबा ने ऐसा भी किया कि अपना आशीर्वाद मुझे इस तरह दिया, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, जबकि मैं अपने टाइम पर नहीं बोलती थी। लेकिन बाबा ने इतना बुलवाना शुरू किया, लोगों ने पागल भी कहा मेरे को उस टाइम कि ये लड़की बहुत बोलने लगी। लेकिन बाबा की ये लीला थी। बाद में फिर बाबा ने मुझे अच्छे ढंग से समझाया सपने में दे दे करके कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ही हूँ। जैसे जैसे मैं बाबा को अर्पण करती थी, फूल अर्पण करती थी, वही फूल दिखाए, वही चरण दिखाए, तो मेरे को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये मेरे साईं बाबा हैं। और सन 11 में मेरे को बाबा ने शक्ति दी और सबसे पहले जो बोला गया उसी टाइम मैंने अपने खुद के पापा के लिए बोला था, वो एक महीने के अंदर अंदर सत्य हुआ। फिर तो सब लोगों का सत्य होना शुरू हो गया और मैं ऐसी हो गई कि बस मुझे कुछ नहीं भाता था सिवाय बाबा के। और बाबा ने मेरे इतना अच्छा साथ दिया कि फिर मेरा जैसे शिरडी में साईं बाबा की कीर्ति फैलने लगी, ऐसे ही इसकी कीर्ति फैलने लगी। लोग मेरे को जानना शुरू करने लगे, लोग आने लगे और फिर एक दूसरे से परिचय होता चला गया कि जैसे एक आए भक्त, उनका काम बाबा ने बनाया, उसके बाद में फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचानों को भेजना शुरू कर दिया। और आज लेकिन मेरे पे दिखावा नहीं होता, जैसे साईं बाबा इस शिरडी में द्वारिका माई में बैठ करके सबको जानते थे, सबकी बातें करते थे, और जो नहीं होती थी जैसे आपने साईं सच्चरित्र में सुना पढ़ा है कि बाबा बैठे रहते थे द्वारिका माई में और बताते थे श्यामा आज वहाँ पर क्या हो रहा था, किसके बारे में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, तो वो मुझे सब ज्ञान होता है। ऐसी मुझे बाबा विजन देते हैं कि आज किसके घर में क्या बना है, आज कैसे कपड़े पहने बैठा है। और आज इस समय मेरे पास लोग दूर दूर से मेरी शिरडी, ये तो यहाँ पर है जो द्वारका माई है, लेकिन बाबा ने जो मेरा घर बनाया है, मैं गाजियाबाद के पास मोदी नगर मेरा घर है, लेकिन बाबा ने उस घर को द्वारका माई का नाम दिया है। और आज उस द्वारका माई का नाम देश विदेश से लोग आते हैं और उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है, और वो चाहते हैं कि हम अपनी माँ को अपने पास बिठाएं, उनको अपने पास खिलाएं और उनके साथ घूमें फिरें। और अब मैं यहाँ आई हुई हूँ शिरडी में, मेरे साथ एक फॉरेन कंट्री से बैठे हुए हैं, वो यहीं पर हैं और अगले महीने दशहरे पर फिर मेरे पास आ रहे हैं। और मैं फ़ोन से ही सब लोगों के काम भी बनाती हूँ क्योंकि इतनी दूर लोग नहीं जा पाते। लेकिन मैं आज ये बताना चाह रही हूँ अपने साईं के लिए कि साईं की महिमा अपरंपार है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी मुझे खुद भी नहीं पता। और आज उन्होंने जो जो काम बनाए हैं, अगर जितने काम बनाए, मैं अल्ट्रासाउंड यहाँ से बैठे बैठे होता है, किसके शरीर में क्या बीमारी है वो सब बताते हैं, कुंडली में क्या क्या है दोष है वो सब मुझे बताते हैं, लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बारी बाबा को देखना होता है और फिर जो सामने बंदा बैठा होता है उसकी सारी कुंडली खुल जाती है मेरे सामने। और आज मेरा इतना भाग्यशाली हूँ कि आज मैं पावन शिरडी में अपने बाबा के सामने और इस पुण्य नगरी में मैं अपना आज इंटरव्यू दे रही हूँ, जो मैं कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा भी होगा। लेकिन मेरे साईं ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भक्त नहीं जानते साईं बाबा को, नहीं मानते हैं, वो माने, क्योंकि तो आज की जो जनरेशन है उसका ये नहीं पता कि, क्योंकि तो आज ऐसा हो रहा है कि लोग खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाई करके फिर वो विदेश चले जाते हैं, लेकिन आज उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पितृ कैसे हैं। और आज के दुनिया में पितृदोष बहुत चल रहा है जो मेरे सामने लोग आते हैं।
क्योंकि वो अपने देवताओं को नहीं जानते, जबकि हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े पूर्वज हैं वो हमारा देवता पितृ हैं, जिसे हमें मानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम उनके सब यहीं से निवारण भी कराते हैं, सबका काम बनाते हैं। और आज इस नगरी में बाबा की मुझे इतने अनुभव होते हैं, सबको बाबा ने पीछे छोड़ दिया और जो आज मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तो एक ट्रेन के लायक भी नहीं थी। जब मेरे को बाबा का पता चला था, मैं तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि मैं मुंबई जा सकती हूँ या मैं ट्रेन से इतना लंबा सफ़र भी कर सकती हूँ। लेकिन आज मेरे बाबा ने मुझे फ्लाइट से ही बुलाते हैं और फ्लाइट से ही अपने द्वारका माई में घर भेजते हैं। और इतने अनुभव मैं तो बयान ही नहीं कर सकती, जैसे जैसे मुझे बाबा ने अपना रूप दिखा रखा है, अपना सब कुछ। और बस ये कहते हैं तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये अनुभव लोगों को भी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ और आपको ना पता चले। मेरे को बाबा का मैंने सब कुछ पिछला जो मेरे साथ हुआ था, आज मैं यहाँ पर जो बाबा की जो साईं चरित्र में है, सन 14 में जो बाबा ने मेरे साथ किया, जो साईं चरित्र में आपने सुना होगा कि डॉक्टर पिल्ले के जिसको असहनीय दर्द था, 7 कीड़े बाहर निकाले थे, वो मेरे द्वारा सन 14 में हुआ। ऐसे ऐसे अनुभव जो साईं चरित्र में है वो मेरे भक्तों के द्वारा यहाँ पर मैंने महसूस किया है और मैं कराती हूँ। लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बाबा के पास इतने भक्त आते हैं और बाबा तो सबका निवारण ही करते हैं। आज जो बच्चा इंडिया में ही है और जो बाहर जाना चाहता और उसका कुछ भी ना हो रहा, लेकिन मेरे बाबा मेरे द्वारा उसको बाहर भी भेजते हैं। जिसकी शादी ना हो रही है शादी भी कराते हैं। और आज मेरे पास ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको बच्चे भी नहीं होते, लेकिन बाबा ने 1 साल से 25 साल तक की शादी में इस दौरान बच्चे किए हैं, और जो इस द्वारका माई में माथा टेकने भी आते हैं। और आज मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज मैं साईं बाबा की पुण्य नगरी में बैठकर ये इतना बड़ा इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे मेरे साईं ने मेरा जिंदगी बदली और मुझ में इतने परिवर्तन लाए कि लोग आज मुझे पहले बाबा कहते थे, फिर कोरोना के वक्त मुझे साईं माँ का नाम दिया। और मैंने बहुत भविष्यवाणियाँ की थी क्योंकि उस टाइम में फेसबुक ये सब नहीं, मेरा नहीं था, लेकिन मेरे जो भक्त मेरे से जुड़े हुए थे उनके पास मेरी ऑडियो वॉइस मैसेज ज़्यादा करती थी। जो जैसे जैसे बाबा मुझे बताते थे, दिखाते थे, वैसे वैसे ही मैं अपने भक्तों के साथ ऑडियो मैसेज भेजती थी। और वैसे ही फिर ऐसा होता था, कोरोना के वक्त मेरे साईं ने मेरे को नाम दिया साईं माँ। और साईं माँ आज इतनी बड़ी माँ बन गई है कि लोग तरसते हैं कि माँ हमारे पास आए, हमारे घर रहे। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि इस इतने दौरान में, शक्ति के दौरान में, इतने सालों के बाद भी, जैसे साईं बाबा 5 या 7 घर भिक्षा मांगते थे, मैं भी 5 और 7 घर ही किसी भक्त के घर गई हूँ। मैं आज तक इतने सालों में किसी भक्त के घर नहीं गई। ये भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है कि ऐसे लोग तो आपको पता होगा कि दूर दूर तक चले जाते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकती क्योंकि मेरा साईं द्वारका माई में बैठ के देश विदेश को जानता था, सब पता रहता था उसको, कौन कहाँ जा रहा है, कब आना है, कब जाना है। ऐसी मुझे भी पता रहता है अपने ही द्वारका माई में बैठकर कि कौन आएगा, कौन क्या करेगा, ये सब मैं उन अपने भक्तों को बताती रहती हूँ। और अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि साईं को माने, और साईं की बहुत जल्दी सुनते हैं साईं की हमारी बातें। और मैं ये भी चाहूँगी कि जो भी इससे मांगता है वो कभी खाली नहीं जाता। और साईं बाबा की इतना बड़ा सच है कि जो एक जैसे वाणी कहते हैं कि जो संत की जो वाणी होती है वो ऐसी होती है कि वो कभी विफल नहीं होती। और आज मैं यहाँ पर बैठे बैठे भक्तों की गोद भी भरती हूँ, जो बाहर रहते हैं, जो नहीं आ सकते मेरे पास, तो उनको बाबा मातृत्व का सुख भी देते हैं और उनको संतान भी देते हैं। और जो बाहर नहीं जा पाता उनको बाबा बाहर भी भेजते हैं, और जिसकी शादी नहीं हो रही वो भी मेरे द्वारा कराते हैं। लेकिन भक्तों मेरा काम ऐसा है कि जैसे इंसान के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर होता है ना, ऐसे ही मेरे साईं पास्ट आपका बताते हैं, प्रेजेंट भी आपका बताते हैं, और फिर फ्यूचर साईं ही हम मेरे द्वारा कराते हैं। और जो साईं बुलवाते हैं वही ऐसा ही होता है। और मैं तो यही चाहूँगी कि साईं की पूजा में कोई
कुछ भी नहीं होता कि आप ये अर्पित करो, ऐसे करो या बाबा मांगते हो। मैं भी ऐसे ही हूँ, मैंने भी आज तक अपने भक्तों से कोई मांग नहीं करी है। लेकिन जैसे बाबा का, हाँ कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बाबा ने, जैसे आपने साईं चरित्र में सुना है कि बाबा वो 15 रुपये देना चाहता था, नहीं थे उसके पास, लेकिन बाबा ने ऐसा किया कि नहीं मेरे को चाहिए, उधार भी लिए। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, बाबा अपने आप मेरा सारा काम बनाते हैं और मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे साईं जैसे मेरा काम बनाया, ऐसी जो मेरे से जुड़े हुए हैं सबका ऐसे काम बनाते रहें। और मेरी जैसे मैंने आज इस पर बैठी हूँ, इस मुकाम पर बैठी हूँ केवल साईं के द्वारा, जो मेरे से लोग इतनी दूर दूर से मिलने आते हैं और जिनके काम पल भर में बाबा बनाते हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि ऐसे ही मेरे बाबा सबका काम बनाते रहें। आज मैं सबकी प्यारी साईं माँ हूँ, जो लोग मुझे साईं माँ के नाम से जानते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि मेरा नंबर भी आपको मिले और आप फ़ोन से भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे सब भक्त बताएंगे कि मैं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण माँ हूँ, जो मुझे देश विदेश का हर जगह का मुझे दिखाई देता है। और इन्हीं आँखों में मेरे साईं बाबा बसते हैं और इसी हृदय में मेरे साईं बाबा मेरे अंदर विराजमान हैं। मुझे ना कहीं जाना पड़ता, वो सब अपने आप कर देते हैं, ना ही मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ता कि मैं क्या सोचूं क्या बोलूं। नहीं, जब मैं भक्त के सामने बैठती हूँ तो भक्त की बातें अपने आप खुलती हैं मेरे सामने। सिर्फ मैं तो दो ही बातें पूछती हूँ कि बेटा आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है। ये दो बातें पूछने के बाद में मुझे कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैं उनसे कोई उनकी कहानी सुनूं। मुझे कहानी तो मेरे सर से ऊपर गुजरती है, मैं सुनती भी नहीं हूँ। और जो सुनाना भी, कोई बात बोलना भी चाहे तो मैं उन्हें स्टॉप कर देती हूँ कि नहीं, आप सुनाने आए हैं कि सुनने आए हैं, आप बाबा की बातों को सुनो। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो इस साईं माँ से जुड़े हैं वो आज मेरे भक्त ऐसे ऊपर चल रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल ऐसे रहते हैं निश्चिंत कि हमें हमारी जगत की जननी जैसे है कि हमारी माँ मिल गई है। और माँ का अर्थ क्या होता है आप सभी भक्त जानते हैं। माँ एक ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों को चाहती है कि मेरे बच्चे उच्च शिक्षा पाएँ, उच्च पद पर बैठें और सुख और शांति उन्हें मिले। तो मेरे जो भक्त हैं वो आज इस बात को अनुभव भी कर रहे हैं। और जो दिल से जुड़े हुए, आपने सुना है ना, जैसा भाव राजी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, ये भाव आपको भी पैदा करना होगा। जब आप इस तरह के भाव पैदा कर देंगे तो आपके अंदर भी वही अनुभूति मिल जाएगी। ये माँ आपको सपने में भी मिलेगी और सपने में भी जाके आपके कष्ट काटेगी, लेकिन भाव बनाने पड़ते हैं, और जो आज के ज़माने में नहीं है। एक होड़ चाल हम नहीं करते, जैसे आज का ज़माना है होड़ चाल कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया तो हम भी ऐसा करें, नहीं। सिर्फ अपने भाव को जगाओ, अपने अंदर अपनी शक्ति को जगाओ, अपने साईं बाबा को मनाओ, देखिए फिर साईं बाबा आपसे कैसे आपके संकट काटते हैं। जो इस माँ ने ऐसे ऐसे भी काम किए हैं कि मुर्दों को भी जिलाया है, जो डॉक्टर भी ये कह दे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता या अब ये औरत माँ नहीं बन सकती, उस औरत को भी माँ बनाया है, उसे भी माँ का सुख दिया है। और जहाँ थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश होती है तो ये माँ उस मुर्दे में भी जान डलवाती है। ऐसा ये मेरा मानना है और ऐसा मेरे भक्त मानते हैं। तभी जरा सा अगर किसी को कुछ भी होता है तो मेरे पास फ़ोन आ जाता है और मैं इमरजेंसी के फ़ोन ज़रूर उठाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई रात में या कैसे भी फ़ोन करेगा तो इमरजेंसी में ही करेगा। और भक्त मेरे से फ़ोन से भी जुड़े हुए हैं और भक्त मेरे से फेस टू फेस भी जुड़े हुए हैं। मैं यही चाहूँगी कि आपको मेरे संदेश पहुँचे, और आप नहीं कुछ कर सकते तो साईं माँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम।